परिवार का प्यारा सा चाचा भतीजे का रिश्ता हंसने खिलखिलाने वाला होता है। चाचा भतीजों के प्यार के किस्से कहानियां खूब सुने जाते हैं, लेकिन आजकल सियासत में चाचा भतीजे का रिश्ता नए गुल खिला रहा है। चुनावी मौसम में आजकल गृह युद्ध चल रहा है। चुनावी मौसम में कहीं चाचा रूठे हैं तो कहीं भतीजा। नमस्कार, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मुक्ता सिंह। आज हम अपने इस खास शो में चाचाओं और भतीजों की सियासत और विरासत से लेकर खींचतानी और जुबानी जंग सब कुछ दिखाने वाले हैं। सियासत के कद्दावर परिवारों में कौन सा भतीजा परवान चढ़ा और कहां चाचा हो गए चित और कहां चाचा ने मारी बाजी, आइए चुनावी मौसम में ये सब परखते हैं। आजाद हिंदुस्तान की राजनीति में कई चाचा और भतीजों ने हाथ आजमाए, लेकिन कुछ बेहद चर्चित चाचा और भतीजों की जोड़ी देखिए। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, पशुपति पारस, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, मुंह बोले चाचा, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव। तो सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आज हम इन सभी चाचा भतीजा की सियासत क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात महाराष्ट्र के सबसे बड़े भतीजे राज ठाकरे की, जो अब एनडीए के साथ आने वाले हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि वो कभी राजनीति के लिए दिल्ली नहीं आएंगे, दिल्ली से जिसको आना हो मुंबई आकर उनसे मिले। पिछले दशकों में होता भी यही था। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे से सियासत की बात करने, सियासी रणनीति बनाने के लिए या फिर सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली से ही नेता मुंबई में उनके आवास मातोश्री जाते थे। स्वर्गीय बाला साहब की पार्टी शिवसेना का सबसे पुराना गठबंधन बीजेपी से था। बीजेपी नेताओं से उनके व्यक्तिगत संबंध थे। सो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर स्वर्गीय प्रमोद महाजन और लालकृष्ण आडवाणी तक मुंबई में उनके घर जाते थे और वहीं पर सियासी रणनीति फाइनल होती थी। वक्त बदला, बीजेपी और शिवसेना भी बदल गई। स्वर्गीय बाला साहब की विरासत का वारिस कभी उनके भतीजे राज ठाकरे को माना जाता था। राज ठाकरे भी अपने चाचा का प्रण लिए महाराष्ट्र की राजनीति करते थे। वो भी कहते थे कि दिल्ली जाकर किसी से मिन्नतें नहीं करेंगे, लेकिन वक्त ने उनके इस प्रण को भी तोड़ दिया है। मंगलवार को राज ठाकरे मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं बीजेपी के दरबार में और अपनी नई सियासी पारी के लिए बीजेपी का साथ मांग रहे हैं, जो उन्हें मिलता भी दिख रहा है। दिल्ली में राज ठाकरे पहले बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से मिले और फिर पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह के घर। खबर है कि लोकसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और बीजेपी का गठबंधन फाइनल हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में राज ठाकरे पिछले कई साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ है। भाई उद्धव ठाकरे से पारिवारिक संबंध तो कायम हो गए, लेकिन सियासी दूरियां कम नहीं हुई। ऐसे में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से अपने पुराने संबंधों को धार दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी राज ठाकरे की दोस्ती है। अब इन दोनों के जरिए राज ठाकरे एनडीए के जहाज में सवार होने जा रहे हैं। बीजेपी के साथ आने पर राज ठाकरे महाराष्ट्र में दो लोकसभा सीटें मांग रहे हैं, साउथ मुंबई और शिरडी या कहें अहमदनगर। राज ठाकरे को एनडीए साउथ मुंबई सीट देने पर राजी हैं। अगर बात बन गई तो राज ठाकरे को अहमदनगर सीट भी चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती है। अब राज ठाकरे अपने भाई उद्धव ठाकरे के गठबंधन के खिलाफ फिर मैदान में होंगे। अब ये तो हुई ठाकरे परिवार के चाचा भतीजे की बात। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में अब बात दूसरे चाचा भतीजे की, बात चाचा शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार चाचा से अलग क्या हुए, पूरी की पूरी पार्टी ही अपने साथ लेकर चले गए। कभी शरद पवार के राइट हैंड रहे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे सभी नेता अजीत दादा पवार के साथ चले गए। सभी नेता अजीत के साथ चले गए तो एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी और पार्टी भी उनकी हो गई। अब चाचा शरद पवार नई पार्टी और नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में है। चाचा को लोकसभा में ताकत दिखाने से ज्यादा अपने भतीजे को दिखाना है कि उनकी सियासत में कितना दम बाकी है। चुनाव के पहले 84 साल की उम्र में शरद पवार ने जिस तरह पूरे महाराष्ट्र की यात्रा की है, एक एक जिला छान मारा है, उससे उनकी बेचैनी साफ दिख रही है। शरद पवार किसी भी कीमत पर अपना गढ़ बारामती बचाना चाहते हैं। यहां से उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सूले को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बारामती में भतीजे अजीत पवार भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उनके साथ सत्ता की ताकत भी है। खबरें ये भी हैं कि बारामती से अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो बारामती की लड़ाई चाचा भतीजे के अलावा ननद भाभी की लड़ाई हो जाएगी।
भाभी सुनेत्रा पवार बारामती में एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर वोट मांगेंगी, तो वहीं उनकी ननद सुप्रिया शरद पवार की पार्टी के नए चुनाव चिन्ह सुले तुरही पर वोट मांगेंगी। तो महाराष्ट्र के चाचा भतीजों के बाद चुनाव में चाचा भतीजों की सबसे दिलचस्प जंग दिख रही है बिहार में। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में बीजेपी ने भतीजे का साथ दिया तो चाचा नाराज हो गए हैं। जी हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार की। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच खुले तौर पर सियासी तलवारें चल रही हैं। मोदी शाह की अगुवाई वाले एनडीए ने बिहार में भतीजे चिराग पासवान को तरजीह दी है। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए एनडीए में सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, चिराग पासवान की पार्टी को 5 और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट मिली है। रामविलास पासवान के निधन के बाद बीजेपी ने चिराग की बजाय चाचा पशुपति पारस को तरजीह दी थी। पार्टी के सभी सांसद पशुपति पारस के साथ थे, चिराग अकेले बचे थे। पशुपति पारस को केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त मोदी शाह ने पशुपति पारस से पल्ला झाड़ लिया है। नाराज पशुपति पारस ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया है। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। सर क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? बिहार के हाजीपुर सीट को लेकर अब चाचा भतीजा आमने सामने है। हाजीपुर की सीट पर चाचा भतीजे में जंग देखने को मिल सकती है। पशुपति पारस अब लालू और तेजस्वी के साथ जा सकते हैं, तो चिराग पासवान मोदी शाह की ताकत पर अपनी जीत का दम भर रहे हैं। जनता पार्टी का मैं जिक्र करूं तो उन्होंने तो 2019 से ही कुर्बानी दी है। उस वक्त सिटिंग उन्होंने अपने 5 सांसद हटाकर इस गठबंधन को उस वक्त 2019 में एक मजबूत स्वरूप दिया था और आज उससे ज्यादा मजबूत स्वरूप, उस वक्त जो साथी हम लोग के साथ नहीं थे आज वो भी हमारे साथ इस गठबंधन में मौजूद है। और अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। चिराग पासवान को बीजेपी ने ऐसे वक्त पर तरजीह दी है जब नीतीश कुमार भी चिराग के खिलाफ बताए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को अब शायद पशुपति पारस की तरह नीतीश की नाराजगी की भी खास चिंता नहीं है। बिहार की राजनीति में पासवान परिवार के अलावा आजकल एक और चाचा भतीजे की जोड़ी खूब सुर्खियों में रहती है और ये जोड़ी है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। नीतीश कुमार बिल्कुल सियासी चाचा हैं तेजस्वी के, मुंह बोले चाचा। तेजस्वी यादव अक्सर उन्हें चाचा कहकर ही संबोधित करते हैं और खूब चुटकी भी लेते हैं। अभी जनवरी में ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ छोड़ा है। तेजस्वी बार बार कह रही हैं कि उनके चाचा कब कहां चले जाएंगे, कहां नहीं जा सकता है, इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है। रविवार को मुंबई की रैली में तेजस्वी ने फिर कहा कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो ये गारंटी ले सके कि उनके चाचा अब नहीं पलटेंगे। राष्ट्र ने तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले बाद में जो गारंटी देना देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले। राजनीति में आजकल एक चाचा भतीजा के बाद सब कुछ ठीक बताया जा रहा है। यूपी में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच सुलह हो गई है। शिवपाल यादव बदायूं से लोकसभा मैदान में है। चुनाव में गृह युद्ध खूब सुर्खियां बनता है। चाचा भतीजों के अलावा कहीं भाई भाई की लड़ाई है, कहीं देवर भाभी की लड़ाई, कहीं ननद भाभी की। अगर ये सब सियासी मर्यादा में हो और परिवार की भी मर्यादा बनी रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मौजूदा वक्त की राजनीति में ऐसा मुमकिन नहीं दिखता है।
सियासी नुक्ता विद मुक्ता में कल किसी और मुद्दे पर करेंगे नुक्ताचीनी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।